चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक बहाली को देखते हुए आप लोगों के समक्ष आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ समक्ष खड़ा हूँ। आज टॉपिक का नाम है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश को ही हम लोग वर्धन वंश कहते हैं। इसी टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग आज लेंगे और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पुष्यभूति वंश में सबसे पहला पॉइंट कि इस वंश का संस्थापक कौन था। तो इस वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का या वर्धन वंश का पूछेगा संस्थापक कौन, तो पुष्यभूति, ठीक है, पुष्यभूति बताएंगे। पुष्यभूति वंश अगर पूछ दिया तो उसका तो आंसर आपको समझ में आ ही जाएगा कि पुष्यभूति संस्थापक था। लेकिन वर्धन वंश भी पूछेगा तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन, पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश किस जाति से संबंधित रखता था, तो वैश्य जाति से। पुष्यभूति वंश जो था किस जाति से संबंध रखेगा, तो वैश्य जाति से संबंध रखता था। वैश्य व्यापार वाले जो जाति होते थे उसको हम लोग वैश्य कहते थे। ये राजधानी थानेश्वर बनाया था। पुष्यभूति अपना राजधानी कहाँ बनाया, थानेश्वर, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा में है। पूछेगा पुष्यभूति वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है। प्रसिद्ध शासक कौन कौन हुए पुष्यभूति वंश में, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको रहेगा वो हर्षवर्धन से ही रहेगा। किससे रहेगा, हर्षवर्धन से। तो प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश के या वर्धन वंश के क्या हैं, प्रमुख संस्थापक हैं, ठीक है। और इसी वर्धन के कारण ध्यान दीजिए, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है या पुष्यभूति वंश कहा जाता है। तो अगला शासक आते हैं हर्षवर्धन, जो कि महत्वपूर्ण शासक है। क्वेश्चन यहाँ से आप खूब बनेगा। और इसको परम माहेश्वरम का उपाधि मिला था। हर्षवर्धन को कौन सा उपाधि मिला, परम माहेश्वरम, परम माहेश्वर, परम माहेश्वर, परम माहेश्वर का उपाधि किसे मिला था, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का शासनकाल देखेंगे 606 से 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन ने जो भारत पर शासन कब से कब तक किया, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक किया है। उपाधि देखेंगे क्या लिया है, परम भट्टाकर और शिलादित्य। शिलादित्य कौन कहे हैं, ह्वेनसोंग। ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन को परम भट्टाकर उपाधि मिला है, परम माहेश्वर मिला है और शिलादित्य मिला है। तो शिलादित्य कौन कहा है, ह्वेनसोंग। और हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, अंतिम हिंदू सम्राट आपको एक जो लास्ट में युद्ध लड़ा गया था जिसको आप पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं, हेमू को माना जाता है, ठीक है। हेमू को भी अंतिम हिंदू राजा माना गया है, लेकिन उससे कहीं क्वेश्चन ये भी कहता है कि अंतिम हिंदू सम्राट किसे, तो हर्षवर्धन को माना गया। तो हेमू या हर्षवर्धन दोनों में से एक ऑप्शन रहता जरूर है। तो ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना गया है। अगला पॉइंट है गौड शासक शशांक। गौड शासक शशांक, गौड का शासक था शशांक को हराकर किसने कन्नौज पर अधिकार किया, तो हर्षवर्धन ने। गौड शासक शशांक को हरा दिया है और कन्नौज पर अधिकार कौन किया, हर्षवर्धन ने। कन्नौज उत्तर प्रदेश में, कन्नौज कहां पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि और कन्नौज को देखेंगे, हर्षवर्धन अपना राजधानी बनाया, तो क्वेश्चन आपसे रहेगा कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी, ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहां बनाया, कन्नौज को। और कन्नौज कहां पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। राजधानी बनाया कन्नौज, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ह्वेनसोंग के बारे में ध्यान दीजिएगा, ह्वेनसोंग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय में भारत आया। ह्वेनसोंग एक चीनी यात्री है जो हर्षवर्धन के समय में भारत आता है, सातवीं शताब्दी के पास आता है। पूछेगा भारत कब आया, सातवीं शताब्दी। सी यू क्यू का रचना किया, सी यू की का रचना कौन किया, ह्वेनसोंग। सी यू क्यू पूछेगा किसके यात्रा का वृतांत करता है, तो ह्वेनसोंग का। उपाधि देखेंगे कौन लिया है, शाक्यमुनि, यात्रियों का राजकुमार या तीर्थों का, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा गया। शाक्यमुनि कहा गया और यात्रियों का राजकुमार कहा गया या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। बौद्ध सभा का आयोजन करवाता है, ह्वेनसोंग के कहने पर हर्षवर्धन ने बौद्ध सभा का आयोजन करवाया प्रयाग में। कहाँ करवाया, प्रयाग में। तो कहेगा कि ह्वेनसोंग के कहने पर हर्षवर्धन ने कहाँ पर प्रयाग, कहाँ पर बौद्ध सभा का आयोजन करवाया, तो प्रयाग में। और ध्यान दीजिएगा, प्रयाग में
जो कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला का भी शुरुआत कौन करवाया था, हर्षवर्धन ने। पूछेगा कि भारत में कुंभ मेले का जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, ठीक है, जिसको अभी प्रयागराज नाम दिया गया है, क्या चालू हुआ, ध्यान में रखेंगे, कुंभ मेला, क्या मेला, कौन सा मेला, कुंभ मेला, ठीक है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल पर लगता है और अर्ध कुंभ पूछेगा तो प्रत्येक 6 साल पर लगता है। अगला साल क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अभियान के तहत किसने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन जब दक्षिण अभियान किया, दक्षिण भारत पर अभियान करने चला, तो उसको हराया कौन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। दक्षिण अभियान के तहत में हर्षवर्धन को कौन हराया, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो एहोल अभिलेख में। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो लड़ाई हुआ है, युद्ध हुआ है, उसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, एहोल अभिलेख में मिलेगा। नर्मदा नदी के तट पर यह लड़ाई कहाँ लड़ा गया, नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया है। पूछेगा कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो लड़ाई हुआ कहाँ हुआ, तो नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में, 618 ईस्वी में लड़ाई हुआ। जीत किसका होता है, तो पुलकेशिन द्वितीय का, हर्षवर्धन का इसमें हार हो जाता है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटक के लेखक कौन है, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटक के लेखक पूछेगा कौन, तो हर्षवर्धन, कौन है लेखक, हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन का वल्लभी विजय किस शिलालेख में है, हर्षवर्धन वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है, जब उस पर विजय प्राप्त करता है, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन का दरबारी कभी पूछ रहा, तो बाणभट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कभी कौन था, बाणभट्ट था। अगला, हर्ष चरित्र कादम्बरी चंडी शतक एवं पूर्व पीठिका के लेखक कौन है, हरचरित्र कादम्बरी चंडी शतक और पूर्व पीठिका का लेखक पूछ रहा है, तो ये बाणभट्ट है, कौन है, बाणभट्ट। अगला, हर्षवर्धन के मंत्री परिषद सचिव को क्या कहा जाता था, तो भंडी कहा जाता था, हर्षवर्धन के मंत्री परिषद सचिव को भंडी कहा जाता था। अगला, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहते थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांत को क्या कहते थे, भुक्ति, याद रखेंगे। अब भुक्ति का प्रधान राष्ट्रीय कहलाता था, कहेगा हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतों को भुक्ति कहते थे, उसके प्रधान को क्या कहते थे, तो राष्ट्रीय कहा जाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था, लोकपाल, प्रांतीय शासक को क्या कहते थे, लोकपाल कहते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में टैक्स दर या राजस्व कितना लिया जाता था, तो उपज का 1/6 भाग, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो टैक्स लिया जाता था, राजस्व लिया जाता था, वो कितना लिया जाता था, उपज का 1/6 भाग, ध्यान रखिएगा। ये अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था, तो कन्नौज को, किसको कहते थे, कन्नौज को महोदय नगर का उपाधि दिया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग का किसका अंकन है, हर्षवर्धन के सोना का जो सिक्का था उसके पृष्ठ भाग पर किसका अंकन मिलता है, तो शिव पार्वती का अंकन मिलता है, शिव पार्वती का। और जो कुंभ मेला का आयोजन, एक बार फिर से आपको बता दें, कुंभ मेला का भी पूछेगा कि भारत में आयोजन, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल पर लगता है, उसका भी शुरुआत कौन करवाए थे, हर्षवर्धन, ह्वेन सोंग इनके समय में आए, जो कि चीनी यात्री थे, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो बच्चों, आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वर्धन वंश से बस इतना ही क्वेश्चन आपको बनता है जितना आप दिए हैं, बस इसको आप याद कर लीजिए। बिहार दरोगा हो, बिहार शिक्षक की बहाली हो, बिहार SSC हो, या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो जहाँ पर इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको नहीं रहेगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।